इन्फ्लुएंजा उस डिजीज का नाम है जिसको हम आम तौर में फ्लू कहते हैं। इस मर्ज की सबसे कॉमन वजह हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के इन्फ्लुएंजा वायरसेस का दाखिल होना है। ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग लंग्स नोज पर काफी ज्यादा असर करता है और बाज़ औक़ात इन्फ्लुएंजा के दौरान हमें गले में दर्द भी महसूस होता है। जबकि इन्फ्लुएंजा की कई टाइप्स पाई जाती हैं तो हर टाइप का सिम्टम डिफरेंट होता है। हाउएवर कुछ कॉमन सिम्टम्स मोस्टली लोगों में पाए जाते हैं इन्फ्लुएंजा के दौरान, जैसा कि 100 फ़ारेनहाइट से ज्यादा बुखार, खांसी, नज़ला, जिस्म दर्द, थकन और कमजोरी। इन्फ्लुएंजा वायरस काफी आराम से एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच सकता है। यह हवा के जरिए भी ट्रेवल हो सकता है जब कोई खांसता है या छींक मारता है। ज्यादातर वायरस लगने की वजह ये होती है कि हम किसी चीज को हाथ लगाने के बाद वही हाथ अपनी आंख, आंखों और मुंह पर लगा लेते हैं। इसलिए हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है ताकि आप बीमारियों से महफूज रहकर सेहतमंद जिंदगी गुजारें। ये कहा जाता है कि फ्लू का होना सीजन्स पर डिपेंड करता है, लेकिन विंटर सीजन्स को यूजुअली फ्लू सीजन कहा जाता है। दुनिया में जितने लोग स्पैनिश फ्लू से मरे, उतने लोग 20 सेंचुरी तक जितनी भी वॉर्स हुई उसमें नहीं मरे। स्पैनिश फ्लू काफी खतरनाक फ्लू करार दिया जाता है।